नमस्कार, मैं विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। राम जन्मभूमि मामले में अब 10 जनवरी को सुनवाई, बनेगी नई बेंच। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। इससे पहले नई बेंच का गठन किया जाएगा। नई बेंच ही ये तय करेगी कि क्या ये मामला फास्ट ट्रैक में सुना जाना चाहिए या नहीं। हिंदू महासभा के वकील का कहना है कि वह अपील करेंगे कि इस मामले की रोजाना सुनवाई हो। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अजय माकन ने दिया इस्तीफा। अजय माकन ने दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को धन्यवाद किया और लिखा कि 2015 में विधानसभा चुनाव के बाद से उन्हें दिल्ली के सभी नेताओं का सहयोग मिला। अजय माकन ने इस्तीफे को लेकर अपने स्वास्थ्य को मुख्य कारण बताया है। कहा जा रहा है कि अजय माकन राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। भूटान में सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर शुरू करेगा भारत। चीन को काउंटर करने के लिए भारत भूटान में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड डेटा रिसेप्शन सेंटर स्थापित कर रहा है। इसरो का भूटान में यह ग्राउंड स्टेशन स्ट्रेटेजिक असेट के तौर पर देश की ताकत को दोगुना बढ़ा देगा। इसकी लोकेशन भारत और चीन के बीच है। चीन ने भारत से लगती सीमा से 125 किलोमीटर दूर तिब्बत में एक आधुनिक सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर और खगोलीय वेधशाला स्थापित की है। चंद्रमा की दूसरी तरफ यान उतारने वाला पहला देश बना चीन। चीनी चंद्र रोवर चांग-E4 ने चंद्रमा की दूसरी ओर की सतह पर उतरने में सफलता हासिल कर ली और इसके साथ ही चीन यह कारनामा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इससे अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की चीन की महत्वाकांक्षा को काफी बल मिला है। चांग-E4 का प्रक्षेपण सिचांग के प्रक्षेपण केंद्र से किया गया था। इसके द्वारा चंद्रमा के दूसरी तरफ ली गई तस्वीर विश्व की ऐसी पहली तस्वीर बन गई है। फिर चेताया, कहा दुश्मनों को पनाह देता है पाकिस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान अपने यहाँ दुश्मनों को पनाह देता है। ट्रंप इससे पहले पाकिस्तान को दी जाने वाली 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता बंद कर चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जल्दी ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बैठक होगी। चीन ने पहाड़ों पर बनाया है तंगेज हाईवे। चीन ने ताइवान शहर में एक ऐसा 3 मंजिला हाईवे बनाया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये हाईवे जमीन से 1370 मीटर ऊंचे तियानलोंग पहाड़ पर बना है। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है, यानी एक बार में इस पर राइड शुरू की तो नॉन स्टॉप 30 किलोमीटर तक गाड़ी चलानी है। इसे बनाने में करीब 7000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। यह हाईवे टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन सकता है। केबल टीवी ऑपरेटर्स ने नए नियमों के तहत जारी किए प्लान्स। ट्राई के नए नियमों के तहत देश के मुख्य डीटीएच ऑपरेटर्स एयरटेल डिजिटल टीवी और डिश टीवी ने चैनल पैक्स की कीमतों की घोषणा कर दी है। अब यूजर्स जो चैनल देखना चाहते हैं उन्हें उसी का शुल्क देना होगा। लोकल केबल टीवी नेटवर्क्स जैसे डेन नेटवर्क्स, हाथवे केबल और सिटी केबल ने भी चैनल प्लान्स की कीमतों की जानकारी दे दी है। 1 फरवरी से केबल ऑपरेटर इस आदेश पर अमल शुरू करेंगे। डबल सेंचुरी से चूके पुजारा, लेकिन तोड़ा 90 साल पुराना रिकॉर्ड। चेतेश्वर पुजारा सिडनी में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में दोहरा शतक नहीं बना सके और 193 रन पर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने इस दौरे में अब तक 1258 गेंदे खेलकर 1928 की एशेज सीरीज के 4 मैचों की 7 पारियों में 1237 गेंदों का सामना करने वाले इंग्लैंड के हर्बर्ट सटक्लिफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस तरह पुजारा ऑस्ट्रेलिया में 4 या उससे कम मैच में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले मेहमान बल्लेबाज बन गए हैं। सीरीज में 4 या उससे कम मैच में सबसे ज्यादा गेंद खेलने का रिकॉर्ड त्रिवेड के नाम। विदेशी दौरे पर एक सीरीज में 4 या उससे कम मैच में सबसे ज्यादा गेंदे खेलने का रिकॉर्ड राहुल द्रविड के नाम है। राहुल ने 2002 के इंग्लैंड दौरे पर 4 मैचों की 6 पारियों में 1336 गेंदे खेली थी और 602 रन बनाए थे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने 2012-13 के भारत दौरे पर 4 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में 1285 गेंदे खेलकर 562 रन बनाए थे। पुजारा इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं, सटक्लिफ चौथे नंबर पर हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी का वीडियो वायरल। हाल ही में फिल्म उरी का ट्रेलर रिलीज किया गया है जो दर्शकों के बीच काफी सराहा गया। इसके बाद फिल्म का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विकी कौशल जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में विकी कौशल, यामी गौतम, परेश रावल और मोहित रैना लीड रोल में हैं। फिल्म उरी भारतीय सेना की ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज लाइव।